नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, केएल राहुल और प्रीति जिंटा में हो गई लड़ाई, तो केएल राहुल ने लिया है अब आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स को छोड़ने का फैसला। जी हाँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे केएल राहुल ने हर किसी को हैरान कर दिया है और उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने बताया प्रीति जिंटा और अपने रिश्ते के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब वो पंजाब किंग्स को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, IPL 2021 के इस सीजन में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वो प्लेऑफ में फिर से नहीं पहुंच पाए, लेकिन टीम के कप्तान केएल राहुल ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही केएल राहुल ने 13 मुकाबलों में 62.20 की औसत से 626 रन बनाए, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं राहुल पंजाब किंग्स से 2018 से जुड़े थे और तब से अब तक हर सीजन में उन्होंने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन इन सब के बीच खबरें आ रही हैं कि वह पंजाब की टीम को छोड़ सकते हैं। पिछले 4 साल में उन्होंने लगातार 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। दरअसल क्रिक बच की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल अगले सीजन में पंजाब किंग्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार पंजाब की टीम का हिस्सा नहीं होंगे और इनके मेगा ऑक्शन में शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ फ्रेंचाइजियों ने उनसे संपर्क साधा है। वहीं BCCI ने मेगा ऑक्शन के रिटेंशन नियमों का ऐलान भी अभी तक नहीं किया है, इसलिए फ्रेंचाइजियों के लिए रिटेंशन और राइट टू मैच कार्ड की संख्या के बारे में सस्पेंस बरकरार है। पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल से बाहर होने के बाद से राहुल अब वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम से जुड़ चुके हैं। इस दौरान वे बायो बबल में हैं। अगले सीजन में 2 नई टीमें खेलने वाली हैं, जिसका ऐलान 25 अक्टूबर को होना है। ऐसे में इन 2 टीमों के बीच केएल राहुल को नीलामी में खरीदने की होड़ मच सकती है। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज केएल राहुल ही हैं। इस मामले में उन्होंने शॉन मार्स को पीछे छोड़ते हुए अपने नाम 55 T20 मुकाबलों में 56.62 की औसत से 2548 रन दर्ज करा लिया है। तो पंजाब किंग्स के शानदार बल्लेबाज अब केएल राहुल पूरी तरह से आईपीएल 2022 में आपको पंजाब किंग्स को छोड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके पीछे कई सारे फैंस का ये भी कहना है कि प्रीति जिंटा और केएल राहुल के बीच में जरूर कोई ना कोई अनबन हुई होगी और इसी वजह से केएल राहुल प्रीति जिंटा की टीम से अब कभी भी नहीं खेलना चाहते हैं। हालांकि इस खबर की अभी तक पूरी तरह से तो पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि केएल राहुल कब तक खुलकर इस पर कोई बड़ा बयान देते हैं और कब तक सामने आकर के वो बताते हैं कि आखिर वो पंजाब किंग्स को क्यों छोड़ रहे हैं और अब पंजाब किंग्स को छोड़ने के बाद वो 2 जो नई टीमें आ रही हैं उनमें शामिल होंगे या फिर किसी और जो ऑलरेडी टीम बनी हुई है 8 टीमें उनमें से किसी और में शामिल होना चाहते हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।